हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 8 ऑफ 8 क्लास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने नंबर ऑफ सेल्स एंड शेप ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम साइज ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो साइज ऑफ सेल है वो बहुत स्मॉल भी हो सकता है, मतलब मीटर का मिलियन पार्ट, जैसे माइक्रोमीटर या नैनोमीटर, या इतना लार्ज भी हो सकता है कि उसको आप नेक डाई से देख सकते हो, फ्यू सेंटीमीटर का उसका साइज भी हो सकता है। तो साइज कैन वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बट मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं साइज में, उनको आप अनएडेड आई से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको मैग्नीफाई करके ही देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो जैसे स्मॉलेस्ट सेल का साइज आपको बताएं 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर है, और लार्जेस्ट सेल जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, उसका साइज आपको बताया 170 mm × 130 mm, मतलब मिलीमीटर है। तो साइज इसमें बताया गया आपको, साइज वेरी करता है, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल ही स्मॉल होता है और किसी ऑर्गेनिज्म में लार्ज भी हो सकता है। तो साइज का अगर हम बात करें कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई लार्ज एनिमल है तो उसमें सेल का साइज भी लार्ज होगा, और कोई स्मॉल एनिमल है तो उसमें सेल का साइज स्मॉल होगा। तो अगर एलिफेंट की बात करो तो एलिफेंट में ऐसा नहीं कि रैट से बड़ी सेल्स होंगी, तो एन सेल के साइज का बॉडी के साइज से कोई रिलेशन नहीं है। सेल का साइज डिपेंड करता है फंक्शन पे। फॉर एग्जांपल अगर आप नर्व सेल की बात करो, वो एलिफेंट में भी उतनी है, रैट में भी उतनी है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड है, और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करती है, दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। मतलब इसका रैट के साइज या एलिफेंट के साइज से कोई लेना देना नहीं है सेल का, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है या अपने प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा है, तो उससे हमने सीखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। आपने सेवन्थ क्लास में भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी किया। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मतलब कंप्लीट करते हैं, एंड ईच ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे रूट्स हैं, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स विच आर कॉल्ड टिश्यू, और ये टिश्यू की डेफिनेशन है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसी सेल्स का ग्रुप है, विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन किससे मिलके बने हैं, टिश्यू से, और टिश्यू किससे मिलके बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो सेल क्या हुई, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट हुई। सेल से मिलके बने टिश्यू, टिश्यू से मिलके बने ऑर्गन्स, ऑर्गन से मिलके बने फिर ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और इन सिस्टम से मिलके बनता है पूरा ऑर्गेनिज्म। तो एक छोटी सी एक्टिविटी आपको इसमें बताई गई थी, आपने सभी ने हैन का एग जरूर देखा होगा, जो मुर्गी का अंडा होता है उसको जब आप बॉईल करते हो, ऊपर का जो शेल है वो उतारते हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, एक येलो पार्ट होता है जिसको वाइट मटेरियल सराउंड करके रखता है। एक्चुअली में जो वाइट मटेरियल होता है दैट इज़ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक टाइप का प्रोटीन है जो बॉईल करने पे सॉलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, मतलब बिना जब आपने बॉईल नहीं किया था तब वो लिक्विड स्टेट में था। वो जो येलो पार्ट होता है वो योक होता है। ये दोनों दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ सिंगल सेल। तो ये जो हैन का जो एग है दैट इज़ अ सिंगल सेल विच यू कैन सी विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस और माइक्रोस्कोप। तो यहाँ हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।